हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिजिक्स एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट में मूव हुए थे, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर का यूज़ करते हुए ब्लॉगिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे थे। उसका यूज़ करते हुए हमने एक टेक्स्ट टाइप की पोस्ट के अटैच सेक्शन बनाया था, जिसमें अगर हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, टेस्टिंग पोस्ट क्रिएटेड, देन हम क्लिक करते हैं पोस्ट पर, तो ये देखिए हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम डेटाबेस में देखें तो यहाँ पर भी हमारी पोस्ट आ चुकी है। तो आज हम डेटाबेस से इस पोस्ट को फेच करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं हमारा कंट्रोलर। इसके लिए मैं ओपन करूँगा कंट्रोलर, ये हमारा होम कंट्रोलर है। और इसके अंदर जो हमारी मेथड है वो है इंडेक्स। तो इसमें हम सबसे पहले डेटा गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा, और इसके अंदर हम पोस्ट की रखेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉलर धीस, हमारे कॉमन मॉडल का नाम सी एम, और इसके अंदर हमारी मेथड है सिलेक्ट डेटा। और सबसे पहला पैरामीटर जो है वो टेबल का नाम होगा। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस लाइब्रेरी को बनाना बताया कि हमने किस तरह से मॉडल लाइब्रेरी बनाई थी, उसी का यूज़ हम पूरे प्रोजेक्ट में करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं पोस्ट, देन यहाँ पर हम लगाएंगे स्टार, और इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। तो इसमें लगाते हैं हम डाई, और इसे हम यह करते हैं प्रिंट आर एंड सेव। अगेन हम इसे करते हैं लोड, तो देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है। अगर हम इसमें प्री टैग लगाते हैं, या लिखते हैं एको, और इसी के साथ हमें लिखेंगे प्री, तो ये हमें प्रीटिफाई मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हो चुका है। अब हमें इस डेटा को, अभी जो डेटा है देखिए, सबसे पहले क्रिएट की हुई पोस्ट सबसे पहले आ रही है, देन अभी जो करंटली हमने की थी वो सबसे लास्ट में आ रही है। तो इसे अगर हमें सबसे पहले करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डॉलर धीस डीबी ऑर्डर बाय, और इसके अंदर हमें लिखना होगा आईडी डीएस, एंड सेव करेंगे। एंड अगेन अगर हम रिलोड करते हैं तो जो हमने सबसे लास्ट में पोस्ट क्रिएट की थी वो हमें सबसे पहले दिखेगी। तो ये देखिए सबसे लास्ट में क्रिएट की गई पोस्ट सबसे पहले दिख रही है। अब हम इस डेटा को हमारे व्यू पे पास करेंगे। यहाँ पे हम पास करते हैं कॉमा लगा के डेटा, एंड इसे हम लूप के थ्रू हमारे उस पर प्रिंट करेंगे व्यू पर। हम ओपन करते हैं हमारी व्यू फाइल। इसके लिए हम जाएंगे व्यू में, और व्यू में फाइल है हमारी होम डॉट पी एच पी, जहाँ पर हमारी पोस्ट है। हम इसे अगर रिलोड करें तो ये सारी हमारी पोस्ट है। तो हम केवल एक पोस्ट रखेंगे, बाकी की अदर पोस्ट को हटा देते हैं। तो हम एक पोस्ट रखते हैं और इस एक पोस्ट को हटा देते हैं जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। देन इसको हम लूप में रिपीट करेंगे मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर हम पी एच पी टैग ओपन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे फॉर ईच, एंड फॉर ईच लूप में हम इस पोस्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डॉलर पोस्ट एज सिंगल पोस्ट में हम इसे गेट करेंगे। देन इस लूप को हम यहाँ करते हैं क्लोज। देन इसके अंदर जो हमारी पोस्ट होगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हमारे पी टैग के अंदर। देन यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट पोस्ट, एंड इसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन एंड रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आई लाइन नंबर 55 पर, 55 पर व्यू के अंदर होम डॉट पी एच पी। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, ओके, यहाँ पर हमने नहीं लगाया था ब्रैकेट इसलिए एरर है। एंड रिलोड करेंगे तो ये देखिए हमारी सारी पोस्ट वन बाय वन यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गई है। अगर हम कोई और नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, या लिखते हैं न्यू पोस्ट,
और इसे हम करते हैं यहाँ से पोस्ट। तो देखिए हमारी ये वाली पोस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर पोस्ट की लिस्टिंग शो की है, आप इस पर इतना इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसमें ज्वाइन इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका यूज़ करते हुए अभी हमारे पास केवल यूज़र की आईडी है, हमारे पास यूज़र का नाम नहीं है। तो हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस पोस्ट टेबल को इस यूज़र टेबल से लिंक करेंगे और यूज़र का नाम फेच करके लाएंगे हम इस यूज़र आईडी के बेस पर, और यहाँ पर हम शो करेंगे यूज़र का नाम। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।